भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार अभिनेता और सिंगर खेसारी लाल यादव आज के समय में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। खेसारी लाल को आज देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। खेसारी लाल एक दमदार अभिनेता होने के साथ साथ एक शानदार सिंगर भी हैं। इनके गाने रिलीज होते ही वायरल होना शुरू हो जाते हैं, जिन पर मिलियंस में व्यूज मात्र 2 से 4 घंटे के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। इनके गाने कभी कभी ट्रेंडिंग में 2 से 3 दिनों तक लगातार रहते हैं, लेकिन उनकी इस सक्सेस के पीछे बेहद संघर्ष रहा है। आज भले ही वह सुपर स्टार है, एक समय वे सड़कों पर लिट्टी चोखा बनाकर बेचा करते थे। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की, और पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं। इस वीडियो में आप खेसारी लाल यादव के संघर्ष भरी कहानी के बारे में जानने वाले हैं, तो आज के यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। खेसारी लाल यादव के असली नाम की बात करें तो इनका असली नाम शत्रुघ्न यादव है। खेसारी लाल यादव का जन्म बिहार के सिवान में 1986 में हुआ था। खेसारी लाल यादव के जीवन की पहली एल्बम थी माल भेटाई मेला में, जो कि वर्ष 2009 में रिलीज की गई थी, और इनके जीवन की पहली फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल, जो कि 2012 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म के कारण खेसारी लाल यादव रातों रात भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपर स्टार बन गए। खेसारी लाल यादव के सुपर स्टार बनने का सफर काफी मुश्किल भरा रहा है। अपना घर परिवार चलाने के लिए उन्होंने लिट्टी चोखा तक भी बेचा है। अपने अभिनय के शुरुआती दौर में उन्होंने नाच और ऑर्केस्ट्रा में भी काम किया है, और इसके साथ भैंस चराकर जो भैंस से दूध निकलता है उसको बेचने का भी काम खेसारी लाल यादव अपने शुरुआती समय में कर चुके हैं। खेसारी लाल यादव एक लोक गायक और साथ में एक अच्छे नर्तक भी हैं। शुरुआत में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। भोजपुरी गायक बनने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी था। पैसों को इकट्ठा करने के लिए खेसारी लाल यादव ने लिट्टी चोखा बेचा है। खेसारी लाल यादव इस इंडस्ट्रीज में आने से पहले नौकरी की भी तैयारी कर चुके हैं। आपको बता दें, खेसारी लाल यादव का चयन BSF में भी हो जाता है, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लगता है। वह नौकरी छोड़कर आ जाते हैं और वह दुकान खोलते हैं और वह लिट्टी चोखा बेचने का काम शुरू कर देते हैं, और उससे जो भी उनके पास पैसा इकट्ठा होता है वह भोजपुरी का एल्बम उस पैसे से निकलवाते हैं। खेसारी लाल यादव के दिल्ली में काम करने के दौरान ही उनकी शादी चंदा देवी से हो गई। इसके बाद लिट्टी के दुकान पर खेसारी लाल यादव के काम में पत्नी भी हेल्प किया करती थी। खेसारी लाल यादव ने बताया है कि इस दौर में वह सरकारी नौकरी की भी तैयारी करने में लगे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वह BSF में उनका चयन भी हो गया था, लेकिन उनका मन नहीं लगता था और वह नौकरी छोड़कर अपने घर पर आ जाते हैं। 2012 में रिलीज हुई खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म साजन चले ससुराल से उन्हें रातों रात भोजपुरी फिल्मों में सुपर स्टार बना दिया था। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज के समय में हम लोग के इंडस्ट्रीज के ट्रेंडिंग स्टार और साथ में भोजपुरी फिल्मों के लिए हिट मशीन के नाम से जाने जाने लगे हैं। खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म साजन चले ससुराल को हिट करवाने के लिए खेसारी लाल के पूरे गाँव के लोगों ने माल लेहड़ा वाली से हिट होने का कामना किए थे। खेसारी जी को भोजपुरी गायकी की हर विद्या में महारत हासिल है। खेसारी लाल के साथ साथ उनके परिवार और इसके साथ साथ उनके गांव वाले भी इनके सुपरस्टार बनने में काफी योगदान दिए हैं। तब जाकर इस इंडस्ट्रीज के इतने बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज के समय में बन पाए हैं। बताया जाता है खेसारी लाल यादव अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। खेसारी लाल यादव के फैमिली में उनकी माँ और पिताजी है। पिता के नाम की बात करें तो मंगरू यादव है, और उनकी माँ के नाम को लेकर इंटरनेट पर कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है। खेसारी लाल यादव के आज के समय में 2 बच्चे भी हैं। उनके बेटे का नाम ऋषभ यादव है और उनकी बेटी का नाम कृति यादव है। इन दोनों का इमेज आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। खेसारी लाल यादव की नई फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसका नाम संघर्ष 2 है। इस फिल्म के ट्रेलर में खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव का भी रोल देखने को मिला है, जैसा कि आप लोग इस ट्रेलर में देख भी सकते हैं। खेसारी लाल यादव के पसंद और नापसंद की बात करें तो खेसारी लाल यादव का पसंदीदा व्यंजन लिट्टी चोखा है, मतलब कि वह देहाती खाना खाना बहुत ही पसंद करते हैं। और उनकी पसंदीदा खेल की बात करें तो क्रिकेट और फुटबॉल, इन दोनों ही चीजों के शौकीन है खेसारी लाल यादव। इसके साथ उनकी हॉबी डांस करना और घूमना है। आज दिनों खेसारी लाल यादव का सोशल मीडिया पर काफी वीडियोज और फोटो शेयर होते रहते हैं, जब वह सभी फैमिली के साथ बाहर में घूमने जाते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ खेसारी लाल यादव के जीवन से जुड़ी संघर्षों के बारे में कुछ जानकारियों को आज की इस वीडियो में जान गए होंगे। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा।